हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं सितारा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, आप सब ठीक होंगे। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक हों, आपके यहाँ कोई परेशानी ना हो और अल्लाह सब ठीक कर दे। फ्रेंड, आज मैं एक नई बात शेयर करना चाहती हूँ और अपने ऊपर भी लागू होती है और दूसरों पर भी होती है कि कभी कोई अपने तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे तो उस जिम्मेदारी को बिल्कुल ईमानदारी से और सच्ची श्रद्धा से निभाइए। और वो ईमानदार, वो तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ भी हो सकती है। मैंने ये गलती की है जो उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि ये मैंने गलती की है, जो मेरे अपने बहुत ज़्यादा परेशानी उठा रहे हैं, लेकिन दूसरों को क्या पता सही या गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती की है। तो फ्रेंड, कोई भी कैसी भी जिम्मेदारी अगर परिवार वाले आपके लिए दें, तो अगर दूसरों को लगता है सही है और आपको लगता है गलत है, तो आप गलत ही कहना, उसको ठीक मत कहना। क्योंकि थोड़ी देर की बुराई जो है जीवन भर आपको पछतावा देती है। मेरे साथ एक ऐसा वाकया हो चुका है जो मैं क्या बताऊँ आपको, साथ कभी भी तो शेयर करूँगी जो क्या हुआ। और आपकी गलती जो आपके ऊपर होते हैं, जो अजीज़ होते हैं आपके, जो ज़्यादा प्यारे होते हैं, ज़्यादातर वो आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को कभी मत तोड़ना। और अगर तुम उसके भरोसे को तोड़ देते हो ना, तो बहुत दुख होता है। जो मेरे किसी अजीज़ ने, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा किया, बहुत ज़्यादा, और मेरी तरफ से भी लगता था कि ये ठीक है, सही है, गलत नहीं है। लेकिन धीरे 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 वक्त बदलता गया और मुझे लगा कि मैंने ये गलती कैसे कर दी। जो भी डिसीजन लें, किसी भी चीज़ का डिसीजन लें, बहुत सोचें और उसके बाद में डिसीजन लें। मेरी ब्लॉग में, मेरी वीडियो में एक सुझाव आपको ज़रूर मिलेगा कि जो आपके अपने होते हैं ना, वो आप पर आँख मूंद कर भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को कभी मत तोड़ना। और मैं दिखाऊंगी ब्लॉग में जो मैंने क्या क्या किया है, आपको सब दिखाऊंगी। लेकिन आज मेरा मन बहुत परेशान था तो मैंने अपनी बातें शेयर कर दी। पर लेकिन हाँ, मैं यही कहती हूँ कि अपनों को कभी धोखा मत देना। और अगर तुम्हारे बहन भाई, देवर, जेठ, कोई भी आप पर भरोसा करता है, तो उसके भरोसे को कभी तोड़ना मत। मुझसे गलती हो गई, मैं बताऊंगी वो क्या गलती है। मुझे लगता है कि मेरे पर गलती हो गई और उसकी गलती की सज़ा मेरे अपने बहुत भुगत रहे, बहुत परेशान है। और वो परेशान है, वो मेरा अजीज है बहुत ज़्यादा, तो मैं भी उनके लिए बहुत परेशान हूँ और दुआ करती हूँ कि इस परेशानी से वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। हाय गाइस, आज बनाने जा रही हूँ मैं नारियल के बुरादे की बर्फी। ये तो मैंने घर कद्दूकस किया है एक कटोरी, और ये एक कटोरी मैंने रेडीमेड मंगाया तैयार। अब मैं दोनों का ही मिक्स करूँगी। इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं घी, क्योंकि बिना घी के कोई भी मिठाई नहीं बनती है। इसलिए मैं, ये देखो, दो बड़ा चम्मच घी डाल ले रही हूँ। घी बहुत जोर गर्मी की वजह से पिघल गया है, और इसको मैं भून लूंगी ब्राउन होने तक। थोड़ा सा बचाऊंगी कि बर्फी के ऊपर लगाने के लिए। थोड़ी एकदम सफ़ेद नहीं आएंगी बल्कि थोड़ी सी, क्योंकि घर का छीला हुआ है ना, तैयार किया हुआ ये नारियल का बुरादा, तो थोड़ी सी सांवली सांवली सी आएंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा सा कलर का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन घर का नेचुरल कलर हो तो बेहतर है। तो ज़्यादातर मुझे मिठाई बनाने का शौक लग गया है, तो मैं घर पर ही बनाने के लिए ट्राई करती हूँ। अब देखती हूँ मेरी बर्फी कैसे बनती है। फिलहाल तो मैं इसे भून नहीं हूँ,
और इसे ब्राउन होने तक भूनूंगी। ये मेरी ब्राउन हो चुकी है बिल्कुल, नारियल का बुरादा देखो बिल्कुल गुलाबी गुलाबी। अब मैं इसमें बहुत स्लो गैस पर है, कम गैस पर, अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी डालूंगी, क्योंकि एक साथ नहीं डालूंगी। इसमें मैंने डाल, इसमें लगा दूं थोड़ा सा घी ताकि ये हाथ से लगा देंगे। और बाकी बचा घी ये 2 चम्मच है, मैं इसी में डाल दे रही हूँ। इसका घी का टेस्ट तो वैसे भी अच्छा होता है और अच्छा आएगा और सॉफ्ट भी बनेगी। ये देखो बनने जा रही है। अब मैं सोच रही हूँ इसमें कलर डाल दूँ, ग्रीन कलर की बर्फी बनाए, ये वाइट कलर की तो बहुत खाई है, मैं ग्रीन कलर की बर्फी बनाऊँ। देखो इसका एक्स्ट्रा बन गया है, अभी ये पक्का मजबूत नहीं हुआ, बन के तैयार नहीं हुआ। मैंने उतार लिया इसे नीचे, क्योंकि ये हो गई बिल्कुल तैयार, तो मैं इसे इसको कढ़ाई में खूब चलाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि इसमें डालूंगी मैं कलर, तो कलर डालूंगी मैं रूट कलर। मेरे पास 2 ही कलर है, या तो ऑरेंज या फिर ग्रीन कलर, तो मैं देखती हूँ ग्रीन कलर कैसा लगेगा। कम डालते हैं, ग्रीन बर्फी हल्का सा डाला है। थोड़ा सा और डालो, ये मैंने जमा दी इसमें थाली में। और मैं इसके काट रही हूँ कतली, देखते हैं मेरी बर्फी बनके हो गई रेडी। बहुत गर्मी हो रही है किचन में, तो मैंने सोचा गर्मी तो होती रहेगी, जो करना है वो करते रहिए। गरम बहुत है, ये मेरी नारियल की बर्फी हो गई रेडी। ये बनके, ये देखो बिल्कुल मेरी बर्फी हो गई बिल्कुल रेडी। और मैंने बनाई ये ग्रीन कलर की बर्फी। ये है मेरे पत्ते, ये है मेरा बेसा, डांस कर चल, डांस कर लो।
ये बबल के है ये मेरी बेटी, दो सेकंड की इतनी बड़ी मेरे लिए आई है खाट, ये देखो इतनी बड़ी खाट आई है कहीं के यहाँ। मैंने मंगाई थी अपने लिए खाट के, गर्मियों में हम जमीन पर छत पर सोते तो सोचा चलो खाट मंगा ले, इतनी बड़ी खाट ला के दी है सैफ के पापा ने। अब मैं सोच रही हूँ मैं इसमें डालूँगी देखो, और दूसरी रस्सी बना के तो बनाते हैं हम रस्सियों दिखाएंगे आपको। हाँ कहाँ ले आई, ओ मायरा ले आई मेरा स्टैंड। मायरा मेरी बहुत कमेरी लड़की है, ये देखो है मायरा बेटी, बहुत अच्छी है तू मेरी ना। छोटा ना करा, मुझे पता ही नहीं कि छोटा होना है, और मायरा पे छोटा करना स्टैंड आता नहीं है तो गुस्सा हो रही है। हमारा हंस के दिखा दे बनाने जा रही हूँ, बहुत बड़ा नारा। देखो कितने सारे कपड़े काट कर डाल लिए हैं मैंने, और ये देखो बताऊँगी मैं, दिखाऊँगी कि इसका करूँगी मैं क्या। देखो मेरे घर कितनी बड़ी खाट आई है ये देखो, चला रही हूँ सिलाई की मशीन। मायरा बैठी है मेरे साथ में, ये मशीन नई व्यवस्था करेगी इस पर सिलने। ये मैंने देखो नई डाली है रस्सी इसमें, और इतनी बड़ी खाट लेके आए सेठ पापा का, मैं तो यहाँ पर पूरी बन जाऊंगी। मैं अपनी खाट पे कर रही हूँ इंतजाम। देखो मैंने सिलाए पहले, और सिल के ये डाल दिया मैंने इसमें, और इसे मैं कर रही हूँ टाइट कि थोड़ी सी सही हो जाए। और ये मायरा मेरे साथ है, और ये खाट पे हम रात को सोएंगे बस। नीचे का काम हो गया मेरा खत्म, खटोला में लगा दी मैंने अदमाए, अब मैं जा रही हूँ ऊपर। और ये देखो ये आ गया मेरा बोला, ए बोला बोला मैं नमाज पढ़ लूँ। ओ देख देख देख, ये है मेरा प्यारा सा बाबू, ये मेरा प्यारा सा बाबू है, मेरे पास आता है। अच्छा तो अच्छा सलाम कर ले जल्दी, सलाम कर। ओहो अरे भैया गाइस मेरा बोला सलाम कर रहा है, जल्दी करो। ओह यस करता है ये है ना, और अपने ताऊ से कहता है वाऊ वाऊ बाबू, वो पहले ही खा गया। ये देखो बर्फी बनाई मैंने, कैसी लगी मेरी बर्फी कुछ बोल नहीं जाने, कैसी लगी मेरी बर्फी। अच्छा फिर अच्छा पूरा बता रहे, बर्फी खाई तूने? आ रहो साथ में आएंगे सब, ऐसे एक दो थोड़ी है कोई आ, तो साथ में ना तो तैयार हैं। बर्फी बनाई जी, बर्फी देख लो लौकी की बता रहे हैं सब, कोई ये सच ना पता चल रही अभी बनाइए मैं नारियल की बर्फी, नारियल की है देख कितना है जायका, अच्छा स्वाद मैं नारियल। मैं देखा शाम को हो गई,
काम से फिरी हम अपने छत पर, छत पर हो रहा सब बैठे हैं छत पर अपने पर। ये मेरे पेड़ देखो सब मर गए, दो ही बचे हैं बस। इतनी देखभाल करने के बाद भी कुछ भी ना बचा। सब अपनी अपनी छतों पर आए ना आए, लेकिन हम जल्दी आ जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है अंदर, छोटे घर है हमारे। अरे गंजा आ गया, गंजा अरमान घूम रहा है। ये देखो बच्चे आ जाते हैं हमारे शाम में जल्दी सेफ।